ओम शांति। आज के 19 जून के श्रीवतान में आप सबका स्वागत है। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि जो हम संकल्प करते हैं उसको दृढ़ता से करें और साथ ही साथ उसके ऊपर पूरा फोकस करके करें, ताकि वो जो संकल्प है वो सफलता मूर्त हमें बनाए। और उसको करें कैसे, वो संकल्प रूपी बीज को हम कैसे पक्का करें, उसके लिए आज का ये वरदान है। देखें कि कैसे हम अपने थॉट्स को थिंग्स या प्रैक्टिकलिटी में ला सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अच्छे संकल्प रूपी बीज, जो अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भवा। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप जो सोचते हैं करने के लिए, उसमें स्व का भी फायदा होता है और औरों का भी उसमें फायदा होता है। आप सबको लेके चलते हैं आगे। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी वो कर्म करते हैं उसके अंदर उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा होती है संकल्पों की, कि उसमें सिद्धि प्राप्त मतलब कि उसमें उनको सक्सेस मिलता ही है, सफलता मिलती है। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सत वचन कहा जाता है कि आपने जो कहा वो आपने करके दिखाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, कि उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा निकलता ही है। और वो जो संकल्प करते हैं, जो बोल करते हैं, जो कर्म करते हैं, तीनों मैच करते हैं। यानी कि सोचा ये था, बोला कुछ और करा कुछ और। तो वो जो बोलते हैं वही करते हैं, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, व्यर्थ नहीं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, और उनका कोई भी बोल व्यर्थ नहीं होता, कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं होता है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होता। इस कारण ऐसी आत्मा को रिस्पेक्ट मिलती है। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है, कि आपने आइडिया तो बहुत अच्छा सोचा, संकल्प बड़ा अच्छा किया आपने, लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है। दृढ़ धारणा मतलब कि आपने दृढ़ता पूर्वक विल पावर यूज करके उस संकल्प को आपने पूरा करा नहीं। सोच लिया होगा, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर उसको सोच करके गहराई में जाकर उसके अंदर शक्ति नहीं भरी। क्या हम संकल्पों में भी शक्ति भर सकते हैं? यही चीज़ तो हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, कि संकल्पों में कैसे शक्ति भरी जाए, और ताकि उनको हम साथ में लेकर अपने वचन और कर्म में ऐड कर पाएं। यानी कि सोचा और उसको हमने भूल गए, फिर जब याद आया टू लेट हो गया। तो समय पर सोचना, समय पर बोलना, समय पर करना, ये समय भी आपका साथी कैसे बने और आपके संकल्प भी आपके साथ कैसे चले, इसको हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। फिर परमात्मा कहते हैं, लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता है तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। अटेंशन की परहेज में कमी है, कि आप जब अटेंशन देते हैं तो या तो आप एक कदम आगे और दो कदम नेगेटिव। कैसे होगा पता नहीं, होगा नहीं होगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ये जहाँ होता है वहाँ पर अटेंशन की परहेज। परहेज करना किसका है? व्यर्थ संकल्पों का, अपवित्र संकल्पों का, नेगेटिव संकल्पों का परहेज करना है। कि आपने सोचा अच्छा था, लेकिन साथ साथ आपने नेगेटिव भी सोच लिया, इस कारण वो हुआ नहीं पूरी तरीके से। तो यही परमात्मा कहते हैं कि परहेज में कमी है और दृढ़ता में कमी है। इसको पूरा कैसे करें, कैसे हम अपने थॉट्स को क्लीन एंड क्लियर तरीके से आगे सफलता में लेके जाएं, यही तो हम ब्रह्मा कुमारी में सीखते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते अच्छे हैं, सोचा अच्छी थी, सोचने में बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छे आइडिया थे, लेकिन जीवन भर उसको हम कभी प्रैक्टिकल में ला नहीं पाते हैं। उसके कुछ कारण हैं जो कि हम सीखते हैं यहाँ पर। क्या चीज़ की कमी है, क्या हमारे अंदर वो गलती होगी जो कि हमने अपने संकल्प को पूरा नहीं किया। तो आप भी आकर के यही ब्रह्म कुमारी इसमें आके सीख सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।